हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एंड मैं हूँ प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मंथ या उससे ज़्यादा हो गया मुझे वीडियो पोस्ट करे को। सो आज मैंने बहुत दिन, मतलब मेरा भी बहुत मन कर रहा था यार कि मैं कुछ शेयर करूँ, बट नहीं कर पा रही थी। एंड ये जो वीडियो है ना, ये जिस दिन मैं मेरे USA के ये जो रेंटेड घर है इसमें आई थी फर्स्ट डे, उस दिन का वीडियो है ये। अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं एक रात पहले ही आ गई थी और फिर सुबह उठते से ही मैंने घर जमाना स्टार्ट कर दिया था। सो ये 2 BHK है, मैंने शूट उस दिन ही कर लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, बट आज मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो बच्चों की हेल्प से मैंने थोड़ा थोड़ा घर अरेंज करना स्टार्ट किया था, जितना सामान मैं लेकर के आई थी कहाँ से। मैंने, खैर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं नेहा मेरी फ्रेंड के घर रुकी थी जो कि वर्जीनिया में रहती है, तो वहाँ से मैंने घर के लिए कुछ कुछ चीज़ें खरीद ली थी। प्लस मैंने इंडिया से भी जो थोड़ा बहुत लाया था वो भी ओपन कर लिया था, तो उन चीज़ों को मैं घर पर जमा रही थी, क्या कहाँ रखना है ये सब सोच रही थी। और यहाँ पर राम को दिख गया था कैमरा, तो वो आ गया था डिस्टर्ब करने, फिर मैंने उसको वापस से हटाया, फिर से कैमरा लगाया। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये टिश्यू रोल्स हर जगह पहुँचाना, सबसे पहला काम मैंने वही किया। एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें जमाई मैंने, और अब तो खैर बहुत कुछ मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैंने हर एक चीज़ शेयर किया इंस्टा पर। मैं लाइक ऑलवेज़ एक्टिव रही हूँ, हर एक चीज़ शेयर की है, क्या ख़रीदा, क्या कैसे जमाया, बट मैं यूट्यूब पर पोस्ट नहीं करी थी। एक्चुअली मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वेट कर रही हूँ मैं, बस वो हो जाएगा फिर उसके बाद में मैं ऑलवेज़ वीडियो वापस से पहले जैसे शेयर करने लगूँगी। और अभी भी मैं करूँगी, मतलब वीक में 1-2-3 वीडियोज़ ही करूँगी, बिकॉज़ अभी मुझे मोनेटाइजेशन ऑफ करके ही वीडियोज़ लाइव करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद में मैं मोनेटाइजेशन ऑन करके जैसे पहले करती थी ना वैसे वीडियोज़ शेयर करा करूँगी। सो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रीति क्यों नहीं शेयर कर रहे हो वीडियो, क्योंकि मैं दूसरी कंट्री में आई हूँ। तो स्पेशली USA आने के बाद में कुछ पेपर वर्क होते हैं जो मुझे कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं मोनेटाइज्ड वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँगी। बिना मोनेटाइजेशन वाले कर सकती हूँ तो, बट यार मेरा भी ऐसा लगता है कि मैं इतने एफर्ट इतनी मेहनत करूँ और फिर उससे कुछ अर्न ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज लगा दिया था। बट मैं इंस्टा पर कम्प्लीटली एक्टिव थी, आप लोगों के लिए हर एक चीज़ शेयर किया मैंने। सो ये देखिए, मैं कुछ कुछ सामान जो मैंने वर्जीनिया रिचमंड के डॉलर स्टोर से लाई थी वो ये सब था। और ये मेरा किचन, मैं ऊपर से बस आपको दिखा रही हूँ। एंड किचन का सारा सामान बस ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि हम लोग एक रात पहले ही आए थे और हस्बैंड शाम को आकर के उन्होंने जो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी खरीदी थी वो ला करके रख दी थी। फिर मैंने भी जो सामान था वो ऐसे ही जमा दिया था, मतलब रख दिया था, फिर उसका धीरे धीरे सब कुछ जमाना स्टार्ट किया था। ये टिफ़िन मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई थी फाइव बिलो जो भी है वहाँ से। एंड ये सारे डब्बे वब्बे जो जो किचन में ज़रूरत होती है ना जिन चीज़ों की, और बहुत अच्छा हुआ था यार मैंने ले लिया था, नहीं तो यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आती, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास में कार नहीं है और बिना प्राइवेट व्हीकल के यहाँ पर कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना ये उतना अच्छा नहीं है, आपको हमेशा कैब करनी होती है और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। मे बी अब हो सकता है 1 मंथ में हम लोग कार ले लेंगे। सो ये देखेंगे आप, तो हस्बैंड ये सब लेकर आए थे, इंडियन स्टोर एक्चुअली मेरे घर के बहुत पास में, वहाँ से थोड़ी इंडियन ग्रॉसरी लेकर के आए थे। और ये डब्बे वब्बे जो मैंने खरीदे थे, इसके अलावा पूजा का थोड़ा सामान मैं इंडिया से लाई थी, वो मैं किसी वीडियो में किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो किचन की फ़िलहाल पूरी बैंड बजी थी और अब मैं इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली थी। अभी मैं ये सब यहाँ से हटाती हूँ, क्लीन करती हूँ कैमरा का। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया फ्रिज में जो भी सामान रखना था उसे, फ्रिज एक्चुअली मैं पहले ही पोछना ज़रूरी होता है ना, अपन नए घर में आए हैं और क्या पता, वैसे तो पहले से पूरा घर क्लीन किया हुआ था, यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने सब पहले से क्लीन कर रखा था, बट स्टिल अपने को भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि यार क्या पता पहले से कैसा क्लीन हुआ है। तो मैंने फ्रिज वगैरह तो पहले से ही पोछ दिया था, फिर अब इसके बाद में बर्तन वगैरह जमाने की बारी आई, तो इसके लिए मैंने जितने भी ये कबर्ड्स वगैरह और मतलब किचन स्टोरेज था उसको भी मैंने वेट वाइप से क्लीन किया, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास में ऐसा कुछ था नहीं जैसे कि मैं मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से
पहुँचती। सो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन किया, और भी बहुत ज़्यादा बर्तन तो फ़िलहाल नहीं थे मेरे पास में जब मैं ये शूट कर रही थी। वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, वो सब नेहा ने मुझे गिफ्ट किया था यहाँ आने के बाद में, तो वो था। अदरवाइज़ वो गिफ्ट नहीं करती तो मुझे वो भी ख़रीदना पड़ता, तो वो नहीं ख़रीदना पड़ा मुझे। जितने भी ये पैन्स एंड ऑल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे बस यही बर्तन थे और थोड़े बहुत नॉर्मल बर्तन। वैसे अभी मैं बहुत कुछ नहीं ले पाई हूँ, लूँगी धीरे धीरे। मुझे एक्चुअली स्टील के बर्तनों में इन्वेस्ट करना है, और अभी फ़िलहाल यहाँ आसपास जो मुझे दिखते हैं ना स्टोर्स, वहाँ स्टील बहुत एक्सपेंसिव है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा मुझे पता चल जाए जहाँ मुझे नॉमिनल प्राइस में, ठीक ठाक से प्राइस में मिल जाए इंडियन, मतलब जो हमारे बर्तन होते हैं ना। ये मैं डॉलर स्टोर से लाई थी, एंड ये भी सब डॉलर स्टोर से लाई थी। इवन सारी चीज़ें डॉलर स्टोर की ही है, जैसे ये प्यारे प्यारे जग्स हैं ना, ये सब डॉलर स्टोर के हैं। एंड इनमें तो मेरे हस्बैंड ने चाय पत्ती और शुगर डाल दिया है, और ये भी डॉलर स्टोर से ही लाई थी मैं। और ये सब कल ये लेकर के आए थे हमारे आने के पहले, इंडियन ग्रॉसरी थोड़ी बहुत, तो मैं सोच रही हूँ इनको इनमें डाल दूँ, पोहा और फलीदाने टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो इन बॉक्सेस में डाल दूँ। ये बॉक्सेस भी मैं डॉलर स्टोर से लाई थी, डॉलर ट्री से, एक $1.25 के हैं। ये सारी ग्रॉसरी इसमें जाएगी, एंड जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें मुझे, और वो यहाँ जमाऊँगी मैं। और अभी फ़िलहाल मैं ये पेपर्स ही रख रही हूँ रैक्स में, धीरे से मैं रैक में भी बिछाने वाला ले लूँगी। और जैसे चाय पत्ती और जो शुगर है जो मुझे हमेशा यूज़ आएंगे फ्रीक्वेंटली, उनको मैं यहाँ रख दूँगी लाइक गैस के जस्ट पास में, ऐसा सोचा है। तो अभी ये सारी चीज़ें रीफिल करती हूँ, ये सब क्लीन करती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं करूँ, बच्चे बहुत परेशान, स्पेशली राम। क्या पानी लेने आई हो? ले लो। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे, कब से सोच रही हूँ कुछ खाना बनाऊँ, एटलीस्ट दाल तो बना लूँ, बट नहीं हो पा रहा। तो मैं ये ऊपर ऊपर का, ये तो फिर भी मैंने करा अभी थोड़ा साफ, इधर का भी थोड़ा करती हूँ, वो पूरी बॉटल जमाती हूँ तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि रोटी हमारी कल की पूरी रखी हुई है, खाया ही नहीं था किसी ने। ये सब करती हूँ, और मैं आपको पूरा मेरे घर का टूर दूंगी धीरे से। अभी फ़िलहाल सब जमा लूँ धीरे धीरे। और ये ना मुझे कल कुछ एकदम कंफर्टेबल ट्रैवल करके आई, और कल मतलब जस्ट हम लोग नेहा के घर से मेरे घर आए हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी कि मुझे ये दिखा, मेरे हस्बैंड के बैग में रखा था, मैंने ही रखा था इंडिया से आते टाइम, न्यू है बिल्कुल। मैंने कहा ये पहले तो बहुत टाइम बाद पहना मैंने एक्चुअली, नाइट्स गाउन्स जो होते हैं ना ये। तो चलिए करती हूँ शुरुआत, इंडिया से कौन से बर्तन लाए हूँ ये भी दिखाऊँगी किसी दिन किसी वीडियो में, अभी तो फ़िलहाल अरेंज कर लेती हूँ। एंड ये कुकर में देखिए, कुकर के अंदर मैं ज्वेलरी भर के लाई थी, दो कुकर लाई हूँ एक्चुअली। कुकर भी मिलता है यहाँ पे, बट थोड़े महंगे मिलते हैं, मेरे पास जगह थी तो मैंने रख लिया था। तो एक कुकर में हम हमारे भगवान रख के लाए हैं, एंड एक कुकर में मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरीज रख ली है। ये मैंने ना मसाले रखने के लिए ये बॉक्स लाए थे, और इन सारे बॉक्सेस में ना मैं अपनी ज्वेलरीज डाल करके लाई थी, इंडियन ज्वेलरीज, थोड़े बहुत वेस्टर्न, थोड़े बहुत डेली वेयर, नेकलेसेस, टिमटिम की ज्वेलरीज, ये सब मैंने क्या किया था, ऐसे जो डब्बे थे ना इनमें अच्छे से रख लिया था, छोटे छोटे डब्बे डब्बों में, ताकि कुछ भी बिगड़े ना, मेरी कोई ज्वेलरी भी दब के ख़राब ना हो, एंड ये स्पेस भी वेस्ट ना जाए ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर के। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से बहुत ही अच्छे से डालकर लाई थी। और एक कुकर में मैंने, जैसे कि बताया आपको, मैंने कुछ ज्वेलरीज और कुछ चूड़ियाँ, क्योंकि कांच की मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लाई, कुछ चूड़ियाँ लाई थी, और एक कुकर में भगवान सारे रख के लाई थी। एंड मेरे हस्बैंड गए थे ये सामान लाने के लिए, तो ये कुछ कुछ चीज़ें लेकर आए, वो जैसे चीज़ था, पटेटो, देन ये कर्ड, फिर ये लहसुन और नींबू, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी फ्रिज में रख दी थी मैंने, आलू प्याज भी लेकर के आ गए थे, और फ्रिज में फ्रूट्स वगैरह जो वीकली स्टॉक करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें ला करके फ्रिज में रख दी थी। तो बेसिक चीज़ें, मतलब जैसे होता है ना इनिशियली गृहस्थी बसाते वैसे करना स्टार्ट करते थे, बट अभी क्या बच्चे थे तो बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोगों को करनी थी। तो जिस दिन हम यहाँ आए उसी दिन हमारी दोनों मैट्रेसेस जो थी वो डिलीवर हो गई थी, तो एक तो बच्चों के रूम में खुल गई थी, एक ये हमारे रूम में खुली थी, और ये दोनों बच्चे, नेहा की बेटी है वो अनिका और ये मेरी टिमटिम, इन दोनों ने बहुत हेल्प की एक्चुअली ये ओपन करने में मैट्रेस। और आपको लगेगा मैं बाल मजदूरी करा रही हूँ, बट नहीं, बच्चे एक्चुअली बहुत इन्जॉय कर रहे थे उसको ओपन करने में। आप देखिए कितना हंस रहे हैं, मतलब लिटरली दोनों बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। इनिशियल क्या, आई थिंक कुछ दिन तो हम लोगों ने नीचे ही मैट्रेस लगा करके सोए थे, अभी फ़िलहाल बेड ले लिया। आपने इंस्टा पर फॉलो करते तो आपने देखा होगा, बच्चों के रूम के लिए मैंने अभी बेड नहीं लिया है, बिकॉज़ अभी दोनों अकेले सोते हैं उस रूम में, और राम कभी कभी बेड से नीचे
गिर जाता है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा वो यूज़ टू हो जाए फिर उसके बाद में मैं बेड ले लूँगी बच्चों के लिए भी। एंड फिर ये आ गया था हमारा अमेज़ॉन का एक और पार्सल जिसमें कुछ रैंडम चीज़ें मंगवाई थी मैंने, जैसे कि ये क्विल्ट हो गया और इसके अलावा और भी कुछ कुछ था। मैं एक्चुअली इतने दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या था। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने ये पिंक कलर का एक क्विल्ट मंगवाया था, बड़ा ही प्यारा सा, बट ये बहुत ज़्यादा विंटर नहीं झेल सकता तो मुझे एक और लेना पड़ गया उसके बाद में। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली, इसलिए मुझे फ्रंट कैमरा ओपन करना पड़ रहा है। पहले सोचा था मैंने बैक कैमरे से ही शूट कर लूँगी। सो सबसे पहले तो है ये क्विल्ट का सेट, जिसमें कि क्विल्ट के साथ में पिलोज़ भी हैं, ठीक है। देन मैं एक्चुअली अभी नहा कर आई हूँ पता है, इसलिए ऐसी लग रही हूँ एकदम। देन उसके बाद में ये है एक हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर एक्चुअली ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को तो अभी इस मौसम में भी, जब स्प्रिंग समर्स आने वाले हैं तब भी हम लोगों को इतनी ठंड लगती है ना, तो ये ज़रूरी था। क्योंकि टिमटिम के हेयर बाल बहुत बड़े बड़े हैं, उसको तो बहुत ज़रूरी है हेयर वॉश के बाद में हेयर ड्राई करना। सो इसको खोल के देखते हैं। अच्छा खासा है, ये फेस फ्री करने वाला, वॉल्यूम ऐड करने वाला टूल भी है एंड ये ब्लो ड्राई करने वाला टूल भी है। सो ठीक है, ओवरऑल हमारी जो नीड है वो तो फुलफिल हो जाएगी। ये एक स्टीम आयरन, अगेन बहुत ज़रूरी चीज़। देन ये मैंने वाटर फिल्टर मंगवाया है। वाटर फिल्टर एंड देन एट लास्ट ये है अगेन एक और क्विल्ट। इसलिए बहुत नींद आ रही है, मैं सोने का भी मतलब बेड पे जा चुकी थी, बट फिर मेरे हस्बैंड का मैसेज आया कि बाहर से सामान उठा लो, उठा लेती हूँ। सो ये एक और मैंने ऑलिव ग्रीन और लाइट पिस्ता कलर बोल सकते हैं, उसमें ये वाला क्विल्ट एक और लिया। सो दो क्विल्ट्स हैं। इतनी चीज़ें हैं जो अभी बेसिक मंगवाई, इसके अलावा लैम्प्स वगैरह भी खरीदे, जिसमें एक लैम्प ये दिख रहा है, एक उधर बच्चों के रूम में रखा है, एक और अभी ये लोग गए हैं लेने के लिए। तो अभी थोड़ी बहुत क्या, अभी देखा जाए तो पूरे एक दो मंथ की ग्रॉसरी लेने के लिए गए हैं ये लोग, मतलब मेरे हस्बैंड और नेहा के हस्बैंड। वो हम लोगों को छोड़ने आए ना जीजू, तो उन्होंने बोला जाने से पहले तुम लोगों की जितनी मंथली दो मंथ की शॉपिंग है ना ग्रॉसरी की, वो करवा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास में कार नहीं है और बिना कार के यहाँ पर कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग वो लेने गए हैं, वो भी जब आ जाएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या आया है ग्रॉसरी में। इंडियन ग्रॉसरी तो आई थिंक मैंने सुबह दिखाई थी थोड़ी बहुत ऐसी, अभी तो वो भी बहुत ही काम चला हुआ है, मुझे आज शाम को शायद जाना पड़ेगा बिकॉज बेसिक मसाले ही नहीं है, सिर्फ हल्दी है, मिर्ची है और नमक है, सिर्फ इसके अलावा कोई मसाला नहीं है। सो जाऊंगी एंड बाकी क्या क्या आया ग्रॉसरी वो दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं ये सब पता तो पूरा फैला हुआ है, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, हर कोने में कचरा बोले तो पॉलीथिन जो चीज़ों से निकाल के रखी है ना वो पड़े हैं, एंड राम के डायपर तो ये हर जगह है। मैंने क्या क्या, मैंने $40 में 210 डायपर्स मिल रहे थे उस दिन, सैम्स गई थी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो वो ले लिया था, तो इतने ज़्यादा हो गए ना कि हर जगह फैले। कल हम लोगों ने जब कार में अपना सामान भी जमाया ना, तो जो ग्लास के आइटम्स थे सब हमने डायपर में पैक करके जमाया था। ये डायपर्स भी अब अच्छे से रखने जाती हूँ, ये सब निपटाती हूँ। अब मेरा मन करा चाय पीने का, बट अब ये लोग आएंगे ना जब, तब चाय पीऊँगी सबके साथ में।